फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं शाम से ब्लॉग चालू कर रही हूँ, तो अभी शाम का 4 बज रहा है, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अभी तो चाय बना के पापा जी को देती हूँ, फिर देखते क्या काम करते हैं। और तो चलिए चाय बनाते हैं फिर। तो गाइस, मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और किचन में मेरी चाय देखिए पक भी गई है। और अभी मैंने चाय बिना चीनी की बनाई है, तो मैं एक कप, क्या कहते हैं, एक ग्लास में चाय अपने पापा जी के लिए निकाल दूंगी बिना चीनी की चाय। तो बाकी चाय में मैं चीनी डालूंगी हम लोगों के लिए चाय में। तो बस फिर मैं अपने पापा जी को चाय देकर आती हूँ, वो लोग, और फिर हम अपने लिए भी निकाल लेंगे चाय पीने के लिए। तो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, और मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने। तो फिर आप लोग किस तरीके से शाम का आपका रूटीन होता है ज़रूर बताइए। और ये रही मेरी चाय और मेरे हस्बैंड की। तो अब मैं जा रही हूँ शाम का ब्रेकफास्ट करने। तो बस इसके बाद फिर मैं कपड़े लेकर आऊँगी, जो मैंने दिन में डाले हुए थे सूख गए हैं, तो उनको फोल्ड करूँगी। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर छत पे जाती हूँ, टहल कर आती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम की, रात के डिनर की तैयारी करने स्टार्ट कर देती हूँ। तो रात के डिनर में मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू, टमाटर और दही की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, और कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, और मैं आलूओं को फ्राई करके सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलूओं को मैंने पहले से ही छील कर धुल के काट लिया है। और यहाँ मैंने प्याज ली है, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट है, और दही लिया है, दही, ताज़ा दही है आधा कटोरी, और मसाले जो डेली मसाले डालती हूँ वही हैं। तो अब मैं इन आलूओं को फ्राई कर लूँगी। आलू को फ्राई होने के बाद फिर मैंने बचे हुए ऑयल में मैं हींग और जीरा का तड़का लगाऊंगी। और उसके बाद जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इनको अच्छे से पका लूंगी। इसका कच्चापन पूरा ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो मसालों में मैंने आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा धनिया पाउडर लिया है, सॉरी, और आधा छोटा चम्मच ही मैंने हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर है, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा ही छोटा चम्मच मैंने सब्जी मसाला भी लिया है इसमें। और मसाले आप जो भी ऐड करना चाहते हो सब्जी मसाले की जगह, अगर आप और कोई भी मसाला ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप। तो इन मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर, जो प्यूरी मेरी तैयार है अच्छे से, तो उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इनको भी मैं अच्छे से पका लूंगी। टमाटर मेरे जब अच्छे से पक जाएंगे, प्याज और टमाटर, फिर उसके बाद मैंने जो दही लिया है, दही को मैं फेंट कर इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर उसके बाद मैं इनको, इसको बराबर अच्छे से चलाती रहूँगी, वरना मेरा दही फट जाएगा, फटने जैसा हो जाएगा। तो इसको खूब अच्छे से उस समय चलाते रहना, जब तक ये मसाला हमारा खूब अच्छे से मिक्स ना हो जाए और खोलने ना लगे एक बार, तब तक इसे अच्छे से चलाना है हमें। फिर इसको अच्छे से पकने के बाद जो हमने आलू को फ्राई कर रखा है उन आलूओं को इसमें ऐड कर देना है। तो
तो ये मेरे मसाले भी तैयार हो गए हैं और अब मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी। तो आलूओं को भूनने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें, सो कितना गाढ़ा या सूखा रखना है तो आप उसी हिसाब से पानी इसमें ऐड करिए। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक भी स्वाद अनुसार आपको ऐड करना है। बस फिर इसको चला के ढक के मैं इसको पकने दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छे से मेरी सब्ज़ी खौल जाएगी तो बस सब्ज़ी बन के हो गई तैयार हमारी। और फिर इसमें जब सब्ज़ी मेरी पक गई है अच्छे से तो मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी काट कर। सब्जियाँ भी मेरी पक गई हैं तो अब मैं यहाँ रोटियाँ भी सीखना मैंने स्टार्ट कर दी है। तो गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आइकॉन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वैसे मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, इसलिए अगर मेरी वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो ज़रूर उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो बस मेरी रोटियाँ भी सीख गई हैं, इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो ये रहा मेरा बहुत ही सिंपल तरीके का डिनर, सब्जी और रोटी। आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो गाइस मैं आपको अपना स्किन केयर रात में कैसे करती हूँ मैं वो दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश करूँगी ताकि मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँ, और फिर उसके बाद मैंने घर का ही बना हुआ मेरे पास स्प्रे है तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। वो बहुत अच्छा ग्लो देता है मुझे ये। मैं इसको दिन में भी यूज़ करती हूँ और मेकअप करते समय भी इसको यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। और आप लोग बोलेंगे ना कमेंट करके बताइए बोलिएगा तो मैं ज़रूर आपको इसकी इसे कैसे मैंने बनाया है ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका वीडियो। तो बस इतना ही है मेरा स्किन केयर, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। हेलो गाइस, और आज मैंने आप लोगों के साथ शाम से लेके रात तक का रूटीन शेयर किया है, तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों का वीडियो। अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैंने नाइट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, और हमारा डेली का यही होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से खाना होता है नाइट में, तो ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करते हैं नाइट में हम लोग, तो ऐसे ही डेली का होता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग ये घर में नाइट में किस तरीके से करते हैं। हम लोग दाल चावल नाइट में नहीं खाते हैं रात के समय, तो सब्जी रोटी ही रहती है हमारी ज़्यादातर से। और मैंने आज आप लोगों के साथ अपना नाइट का स्किन केयर रूटीन भी शेयर किया है कि मैं नाइट में किस तरीके से अपना स्किन केयर करती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, जितना आप लोगों को दिखाया बस उतना ही करती हूँ। और बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और सोते हैं, आप लोग भी जाइए सो जाइए। वैसे मेरी वीडियो तो मॉर्निंग में जाएगी ये, तो आप लोग तो ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे उस समय। तो बस आज के लिए इतना ही है, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।